इसकी ट्रिक क्या है, देखिए चाय के मूल्य में 15% की कमी होने से कोई व्यक्ति 320 रुपये में 4 किलोग्राम चाय अधिक खरीदता है। तो इसका कहने का मतलब जो 15% कमी हो रही है किसमें, 320 का, तो 320 का 15% निकाल लेंगे, तो 15% निकालेंगे तो इसको लिख सकते हैं 3/20, तो 0 0 और 16 3 48, ठीक है। तो मतलब जो चाय में क्या हुआ, 48 रुपये की कमी आई है, ठीक है। तो 48 रुपये कमी किसमें आई है, 4 किलोग्राम चाय अधिक मिला है, इसी 48 रुपये में 4 किलोग्राम चाय अधिक खरीदा है। तो 1 किलो का चाय का मूल्य कितना हो जाएगा, अभी भाग दे देंगे 12 रुपये पर केजी, ठीक है। अब आपसे भी पूछा जाता है कि इसका पुराने वाला मूल्य क्या था, तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का, देखिए पुराने वाला मूल्य निकालना है आपको। तो ये जो 12 रुपये केजी आई है, ये कौन सी वैल्यू है आपकी, 15% घटी हुई वैल्यू है।